यहाँ पे गेड़ा मारने का मौका मिला, गेड़ा मार लो एंड सेव टाइम फॉर बैड बैचेस. गेड़ा मारो बट डोंट बी रैश वाइल मारोगे गेड़ा. यू कैंट ब्रेक द रूल्स ऑफ द रोड और ऐसी वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं. और भी हमने एक ब्रिज के थ्रू सतलुज को क्रॉस कर दिया. तो सतलुज इस वक्त हमारे राइट साइड में है, ड्राइविंग ऑन NH05 नेशनल हाईवे नंबर 5. और ये आया पेट्रोल पंप जहाँ पे हम डलवाएंगे दिल भर के पेट्रोल, इतना पेट्रोल कि हमारी धनों का पेट भर जाए और पेट भरने के बाद भी बोलेगी वह. सांगला कितना टाइम लगेगा यहाँ से? एक घंटा. अब यहाँ पे जितने भी हमको गाड़ियाँ देखेंगी फौज से रिलेटेड वो आई थिंक ITBP की मैक्सिमम होंगी बिकॉज यहाँ पे चाइना बॉर्डर है. तो ITBP इज इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस व्यापार मंडल टापरी. तो ये है टापरी में आ गए हम. टापरी से आगे जाएंगे उई उई. दिस इज द लोकल ड्रेस जो आपने देखी अभी. और ये है यहाँ का बस अड्डा टापरी. HP03 शिमला की गाड़ी, 03 शिमला हिमाचल में आते हो और आपको HP01 नंबर की टैक्सी दिखती है तो उसका मतलब उसके पास नेशनल परमिट है. HP01 की गाड़ी आउट ऑफ हिमाचल प्रदेश भी जा सकती है. HP02 की अगर गाड़ी दिखती है तो वो सिर्फ हिमाचल के अंदर ही मूव कर सकती है, मूव. और जैसे मैं धर्मशाला का हूँ तो इसका पीछे जो प्रीफिक्स लगता है दैट इज़ HP39 जो नंबर, जैसे मेरी गाड़ी का नंबर है HP39D9555. मेरी कार का नंबर है HP39C0555. तो मैंने एक रूल बनाया कि मैं जितनी भी गाड़ियाँ लूँगा उनका एंड 555 से करना है बिकॉज 555 इज़ अ लकी नंबर फॉर मी. और ये फिर से अगर हाइट चेक हम करें तो इट इज़ 66. मतलब हमारा फिर से ऑल्टीट्यूड अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है. 9000 के बाद एनीथिंग यू नीड टू गेट योर बॉडी एक्लेमेटाइज. 9000 टू 12000, 12000 टू 15000 एंड अबव 15000, ये तीन पार्ट्स में हम ऑल्टीट्यूड को डिवाइड कर सकते हैं. 9 to 12, 9 to 12 आप रहने तो आपको कम से कम 6 दिन अपने आपको बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, पानी पीना चाहिए दबा के, और उसके बाद ही कुछ हेक्टिक जॉब या कुछ भी करना चाहिए. अगर आप 12,000 feet एंड अबव जा रहे हैं तो आपको 12,000 feet पहुंचने के बाद में अपनी बॉडी को 4 दिन का रेस्ट देना चाहिए एंड उसके बाद ही आप जो भी वेंचर आउट करना चाहते हैं वो करना चाहिए. और 15,000 feet एंड बियॉन्ड जा रहे हैं तो जैसे आप 15,000 feet पर पहुँचते हैं तो उसी एरिया में आपको कम से कम 4 दिन और रहना चाहिए एंड उसके बाद जो भी वेंचर आउट करना है वो करना चाहिए बिकॉज बॉडी नीड्स टू गेट एक्लिमेटाइज बिफोर इट अडेप्ट टू द एनवायरमेंट. तो ये एक बेसिक रूल है एक्लिमेटाइजेशन का एंड लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग एक्लिमेटाइजेशन. जब भी हम लेह लद्दाख भी कोई अगर फ्लाइट से आता है तो उसको इट इज़ स्टिल रिकमेंडेड कि वो एक दिन एटलीस्ट फुल डे रेस्ट करे, उसके बाद ही अगले दिन अपना वेंचरिंग आउट शुरू करे, नहीं तो बॉडी कैन रिएक्ट इन बैड वेज. क्रॉसिंग द सतलुज वंस अगेन. तो ये है सांगला चितकुल रोड, यहाँ से वी हैव टू टेक अ राइट और यहाँ पे एप्पल बिकते हुए पीछे गाड़ी आती हुई और हम राइट टर्न लेते हुए और ये आपका करचम डैम. और यहाँ पे हम थोड़ा सा होल्ड करके करचम डैम के नज़ारे लेंगे. सांगला 18.5 किलोमीटर. एंड दिस इज द रिजर्वॉयर मैन, दिस इज द रिजर्वॉयर. उत्तरी की खतरनाक है भाई,
और ये बहुत गहरा भी होगा क्योंकि जितना ऊंचा डैम उतनी गहरी रिजर्वायर, कम से कम नहीं भी तो 100-150 मीटर गहरा पानी यहाँ आप देख रहे हैं खड़ा हुआ। यहाँ पे स्विमिंग करने का मज़ा आ जाएगा भाई, एक गोता मारने को मिल जाए, पर पानी बहुत ठंडा हुआ नहीं इसलिए चलते हैं, गोता अगली बार मारेंगे। ये तशरीफ बहुत परेशान कर रही है मेरे को, तशरीफ का कुछ करना पड़ेगा। एक और ब्रिज आपका हार्दिक स्वागत करता है, JSW। Oh, and this is a tunnel. This is all inside the mountain. Oh, अंदर हम जा नहीं सकते। Would have been a sight to see अगर अंदर में जाने को मिल जाता हमको है। And we enter this majestic gate. सीमा प्रारंभ। तो यहाँ से लिखा है चितकुल 41 किलोमीटर, रक्षम 30 किलोमीटर, सांगला 18 किलोमीटर, टू ट्राउट फार्म, कामरू फोर्ट। कामरू फोर्ट भी यहाँ पे कोई, तो विल प्लान टू गो टू कामरू फोर्ट एंड चितकुल अगर मौसम ने और पिछवाड़े ने मतलब तशरीफ थोड़ी इज्जत देनी पड़ती इनको, तशरीफ ने साथ दिया। सुनने में आया कि ये 18 किलोमीटर बहुत ही गजब के हैं, जिसमें एकदम टोटल हमारी ऑफ राइडिंग होने वाली है, ऑफ रोड राइडिंग होने वाली है। और किसने बोला तो सही बोला है, क्योंकि सही में खतरनाक ही रोड है। तो सॉरी 70-100 फीट में हम पहुंच चुके हैं, आई थिंक हम यहाँ से थोड़ा और इंक्लाइन करेंगे टूवर्ड सांगला, तो सांगला वुड बी अबाउट 8-9,000 के आसपास होगा। गुड रोड्स, अ गुड ड्राइव, लॉट ऑफ टर्न्स एंड आई लव द रोड्स विच हैव लॉट ऑफ टर्न्स। वाह मजा आ जाता है यार। ओहो, सांगला में शायद एयरटेल जियो दोनों चलते हैं और चितकुल में सिर्फ BSNL, वो भी बहुत लिमिटेड चलता है, मतलब बहुत ही वीक सिग्नल्स वाला चलता है वहाँ पे। तो स्टिल इट इज़ सजेस्टेड कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो यू शुड गेट अ BSNL सिम, एंड अगर आप यहाँ से प्लान कर रहे हैं जाने की लेह लद्दाख तो यू शुड ऑलवेज गेट एनी नंबर विच इज़ पोस्ट पेड सिम वहाँ पे चलेगी और प्री पेड वहाँ पे बंद हो जाएगी। और ये सीधा रोड दिख रहा है हमको, सीधा मस्त एकदम झकास टाइप रोड सांगला के लिए जाता हुआ, एंड आई लव दिस रोड मैन, आई लव दिस रोड। इलेवन किलोमीटर्स मोर और उसके बाद तशरीफ के मजे, तशरीफ रखी जाएगी मंजी पे, बेड पे। तो रोड भी हो गया ख़त्म, कच्चा रोड हो गया भी स्टार्ट, टोटल ऑफ रोडिंग हो गया भी स्टार्ट, और ऐसे रोड के लिए दन्नो इज़ द बेस्ट। और क्या नज़ारा है, हॉल्ट, ऑल्टीट्यूड चेक 9160 फीट, टाइम चेक 3:55 एंड वी आर जस्ट शॉर्ट ऑफ सांगला। Oh, I'm damn tired now. और ये मेरी धन्नो, अमेजिंग व्यू, आई होप यू आर एबल टू सी व्हाट आई एम सीइंग, एंड आई एम जस्ट मेस्पराइज्ड, ऑल पाइन ट्रीज एट हाइट ऑफ 9000 फीट, बहुत घने जंगल पाइन के। तो अब इसके साथ हम अपना आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हैं,
तशरीफ बहुत चू चू कर रही है कि चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, तो तशरीफ को हम मना कैसे करें। टोटल ऑफ रोडिंग मैन, अब 5 किलोमीटर ऐसी रोड हमको मिलने वाला है शायद, और ये रोड बहुत ही मज़ेदार होते हैं गाड़ी चलाने के लिए, खासकर जब धन्नो हिमालयन हो तो, और बहुत ही मनमोहक मनोहर दृश्य। गूगल आंटी बोली कि टेक द नेक्स्ट लेफ्ट, ओके। तो थोड़ा रोड की कंडीशन यहाँ पर ठीक हुई है भाई, और पैच वॉज बैड बट मज़ेदार था। यहाँ से एक यू टर्न, और एक धांसू गजब एंट्री, वेलकम टू तुखपा वैली। तो वी आर एंटरिंग द तुखपा वैली, और यहाँ पे हम मोमो थुपका खाएंगे। और ये पेट्रोल पंप यहाँ का, जो कि मैंने आपको बता दिया अब कितने पेट्रोल पंप आ गए हैं नारकंडा से, आई थिंक टोटल 6 पेट्रोल पंप इस रोड में आ चुके हैं, तो पेट्रोल की कोई कश नहीं है। बट हाँ, यहाँ से अगर आप, अब मैं यहाँ से जब काजा जाऊँगा तो काजा में आई थिंक मुझे अपने सारे टैंक्स फिलअप करने पड़ेंगे, बिकॉज वहाँ पे पेट्रोल का कश हो सकता है। अदरवाइज़ अभी तक आई एम वेरी कम्फर्टेबल विद पेट्रोल, वैसे भी मैंने कम से कम 15 लीटर स्पेयर पेट्रोल रख रखा है, तो पेट्रोल इज़ नॉट एन इशू। टेन मिनट्स टू रीच द डेस्टिनेशन, एंड वाह, यहाँ से आपके पहाड़ शुरू होते हैं सांगला वैली। सांगला में इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत पहाड़, एक तरफ जंगल वाले पहाड़ और एक तरफ बिना किसी वेजिटेशन नंगे पहाड़। और ये आई थिंक एप्पल ऑर्चर्ड, एक बहुत ही खूबसूरत एप्पल ऑर्चर्ड, किन्नौर एप्पल, यहीं से आप खाते हैं एप्पल। इट्स अ वेरी बिग ऑर्चर्ड आई सपोज, ओ माय गॉड, इतना बड़ा, दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है एप्पल ऑर्चर्ड है। और अगर मैं इसको जूम कर पाता तो आपको दिखाता कि एप्पल्स में, और बहुत ही, एक पेड़ भी इतने एप्पल्स कि एक ट्रक भर जाए, अमेजिंग। एंड दीज एप्पल्स आर वेरी फेमस, दीज किन्नौर एप्पल्स, जो इंडिया में बेसिकली हम एप्पल्स खाते हैं, और बहुत रेयरली हमको एक्सपोर्ट क्वालिटी एप्पल्स मिलते हैं, बिकॉज जितने भी होते हैं वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं, बिकॉज फॉरेन में प्राइस अच्छा मिलता है भाई, इसलिए हम इंडियंस इंडिया वाले एप्पल फॉरेन जाके खा सकते हैं। वी आर राइट नाउ इन सांगला, छोटा सा मार्केट है सांगला का, जो आई थिंक संडे है इसलिए सारा ऑलमोस्ट बंद ही है, थकान ज़्यादा हो गई है। आप इधर ही है, बुकिंग है मेरी। So finally, I'm in the room. Finally, I'm in the room. Time check. शाम के 5 बज चुके हैं। I started at 10:30 और पहुँचने में मुझको 4:45, almost 4:45, 4:30 के आसपास में पहुँच गया था शायद। Altitude check is 9760 feet. And temperature check 20 degree के आसपास यहाँ का temperature होगा इस वक्त। And room check, that is the most important thing. क्योंकि शाम को इतना टायरिंग जर्नी करने के बाद यू नीड टू पैम्पर योरसेल्फ। तो रूम चेक, रूम कुछ खास तो नहीं बोलूँगा, बट ठीक है, इट इज़ डिसेंट रूम विद 1 बेड, एक वार्डरोब और वॉशरूम। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द रूम इज द व्यू, दिस इज द सांगला वैली, ये दीज आर ऑल एप्पल ऑर्चर्ड्स, जितने भी दूर दूर तक आपको पेड़ दिख रहे हैं दीज आर ऑल एप्पल ट्रीज। रूट वॉज लिटल टायरिंग, दिस इज माई कंप्लीट लगेज, द टेल बैग, द टैंक बैग,
द टू सैडल बैग्स. ये मेरा लैपटॉप जिसको मैंने वाटर प्रूफिंग करके किसी तरह लपेट के लाया मैं इसको, जो कि पिछली सीट में मैंने लोड कर रखा है. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू इज दिस फ्यूल थिंग अलॉन्ग विद व्हाट माय द नोज टमी हैव्स इन इट. अब ये सेटअप मैंने जो कल किया था हेलमेट का वो गड़बड़ था, तो इसके बाद मैंने क्या किया कि इसमें सील से काम किया है. यहाँ पे इसका एक बेस ऐसे करके ट्रायंगुलर बेस बनाया है, और दिस इज़ अ सेटअप उलानजी जो कि मैंने ऑनलाइन खरीदा है. बिकॉज इसका जो माइक अडैप्टर उसको रखने के लिए काफ़ी कष्ट होता था, यहाँ पे आपको चिपकाना पड़ता था या फिर अंदर हेलमेट के अंदर डालना पड़ता था. अब ये सेटअप के आने से सिर्फ इसके अंदर सब कुछ फिट हो जाता है. एज यू कैन सी दिस इज द गोप्रो माइक अडैप्टर. ये इसके लिए केसिंग बन रखी है इसमें, एंड ये माइक की तार जो कि अंदर फिट है यहाँ पे ऐसे माइक की तार आ जाएगी. ये एडिशनल चीज़ मैंने इसके लिए ली थी जो कि फिट नहीं हो रहा था माइक डायरेक्टली, तो ये एक कन्वर्टर लिया था. दो रिंग्स दिख रहे हैं, बाकी जो माइक का रिंग माइक में थे उसमें तीन रिंग्स थे. तो बेसिकली हमको GoPro अडैप्टर में जो लगाना पड़ता है उसमें दो रिंग्स वाला लगाना पड़ता है ये, तो इसलिए इसको यहाँ पे ऐसे अटैच करके यू कैन फिट इट इन दिस सेटअप लाइक दिस. तो वो आपका एक हेलमेट सेटअप बन जाता है. और बाकी से बढ़िया है. अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे नेटवर्क कवरेज इज गुड. देख रहे हैं तो दोनों फोन के सिग्नल्स आ रहे हैं, दैट इज़ एयरटेल का भी आ रहा है और जियो का भी सिग्नल आ रहा है. स्पीड अगर हम देखें तो स्पीड इज़ डिसेंट, ठीक है. अभी इट्स रेस्ट टाइम. बाकी मैं आपको अपना बैगेज आई जस्ट शो यू आफ्टर हैविंग सम रेस्ट एंड टेकिंग सम बाथ. देखिए और बैगेज में मैं क्या क्या ले जा रहा हूँ वो आपको मैं एक बार कहूँगा. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाकी अभी के लिए इतना ही है. जीते रहो. इट इज़ हेयर. इट्स ऑल मेंटल. यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ. यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हेयर. ये क्या था? रेत. ये पंचर हो गया मेरे के. शिट, पंचर हो गया. पंचर अबे यार, शिट मैन. कुछ हुआ है? सोच क्या हो रहा है? ये पंचर कैसे हो गया?